हेलो डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू बैक वंस अगेन टू यप मास्टर स्टूडेंट्स यप मास्टर में फिर से एक बार आपका स्वागत है देखिए स्टूडेंट्स हम एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम में कारडेटा शुरू हो चुका है स्टूडेंट्स कारडेटा बहुत ही बड़ा फाइलम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कारडेटा कारडेटा में हमने आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कारडेटा पढ़ा था कार्डेटा फाइलम को तीन सब फाइला में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स यूरोडेटा सेफलो कार्डेटा वर्टिब्रेटा फिर वर्टिब्रेटा सब फाइलम को फर्दर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है दो डिविजन्स में बांटा गया था स्टूडेंट्स अज्ञाता ज्ञातोस्टोमेटा अज्ञाता में जालस फिशेज थे स्टूडेंट्स और ज्ञातोस्टोमेटा में जार्ड एनिमल से अज्ञाता में हमने एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा देखा है ज्ञातोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस थे स्टूडेंट्स एक पाइसेस था जी ओ, हमने डिटेल में देख लिया था स्टूडेंट्स और दूसरा था टेट्रापोड़ा स्टूडेंट्स क्या था टेट्रापोड़ा था सुपर क्लास टेट्रापोड़ा था याद रखिए प्रीवियस इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने सुपर क्लास पाइसेस हमने कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स आज सुपर क्लास पाइसेस में तीन क्लासेस है प्लेकोडर्मी कॉन्ट्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस प्लैकोडर्म्स एक्सटिंक्ट है स्टूडेंट्स सो इसीलिए वहाँ पर एन में उसका कोई आ, जिक्र नहीं किया गया है याद रखिए कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस फिशेस कार्टिलेजिनस फिशेस बोनी फिशेस में डिफरेंस क्या है हमने बहुत डिटेल में देखा था स्टूडेंट्स देखिए आज के सेशन में हम क्या देखने जा रहे स्टूडेंट्स सुपर क्लास टेट्रापोडा देखने जा रहे हैं याद रखिए अब ये देखिए तीसरा सब फाइलम है फाइलम कारडेटा में तीसरा सब फाइलम है सब फाइलम वर्टिब्रेटा स्टूडेंट्स सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आप देख सकते हो यहाँ पर सुपर क्लास टेट्रापोड़ा है स्टूडेंट्स याद रखिए टेट्रापोड़ा जैसा ही आप नाम सुनोगे स्टूडेंट्स टेट्रापोड्स को क्वाडरूप भी कहते हैं राइट नाम में ही सब कुछ है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर चार राइट यहाँ पर आपको फोर लिम्स देखने को मिलेंगे देख सकते हो आप यहाँ पर फ्रॉक्स है स्टूडेंट्स राइट लीजार्स है राइट ये बर्ड्स है बर्ड्स में एक्सेप्शन है बाई पेडल, बाई पेडल है स्टूडेंट्स मतलब दो ही लेग्स होते हैं राइट हैंड लिम्स होते हैं फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स बी स्टूडेंट्स राइट राइट अब यहाँ पर भी देख सकते हो ये सब ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर मैंने एनिमल्स रखे हैं उनमें सब में क्या है स्टूडेंट्स मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स आर हैविंग वॉट फोर लिम्स बर्ड्स में भी चार लिम्स है उसमें दो क्या हुए मॉडिफाई हो गए स्टूडेंट्स विंग्स में मॉडिफाई हो गए याद रखिए सो so इसलिए फोर लेग्ड ऑर्गेनिजम्स को टेटरापोड़ा क्लास में सुपर क्लास में रखा गया है आपको ये याद होना चाहिए याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम देखिए सब फाइलम वर्टिब्रेटा याद रखिए यहाँ पर देखिए हेडिंग सुपर क्लास टेटरा पोड़ा है स्टूडेंट्स राइट राइट अब देखिए आज के इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास एम्फीबिया के बारे में देखने जा रहे हैं याद रखिए एम्फीबिया कैरेक्टर्स दिए स्टूडेंट्स देखिए क्लास एम्फीबिया जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पर मैंने इस तरह से उसको आपको समझ में आने के लिए मैंने बताया स्टूडेंट्स देख सकते हो आप ये एनसीआर के इमेज है ये और ये आपको फ्रॉग सालमांडर तो एनसीआरटी में दिखेगा स्टूडेंट्स एम को तोज्ज देना चाहिए याद रखिए राइट सो ये एन के हर स्लाइड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे याद रखिए स्टूडेंट्स राइट राइट चलो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए फाइलम वर्टिब्रेटा में सब फाइलम फाइलम कार्डेटा में सब फाइलम वर्टिब्रेटा में राइट स्टूडेंट्स सुपर क्लास हम देख रहे कौन सा टेट्रापोड़ा टेट्रापोड़ा सुपर क्लास में क्लास एम्फीबिया हम देख रहे स्टूडेंट्स राइट राइट सो देखिए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया स्टूडेंट्स एम्फीबिया बिया का भी आप अगर नंबर देखोगे स्टूडेंट्स तो एम्फीबिया मोर देन फाइव थाउजेंड स्पीसीज आर देयर लिविंग स्पीसीस राइट स्टूडेंट्स राइट फाइव थाउजेंड स्पीसीज आर देयर इन क्लास एम्फीबिया तो ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है स्टूडेंट्स राइट राइट तो इसके बारे में अब फाइव थाउजेंड स्पीसीस पढ़ना तो इम्पॉसिबल है सो फाइव थाउजेंड स्पीसीस हम ब्रीफ में पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेंगे राइट ये सेशन में हम वही करने वाले हैं अब देखिए स्टूडेंट्स ये वर्ड अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ पता चलेगा एम फी एम फी का मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एम फी का मतलब होता है डुएल स्टूडेंट्स राइट राइट एम फी एम फी का मतलब है डुएल और बायोस का मतलब है लाइफ डी स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना होगा एम फी का मतलब है ग्रीक वर्ड है ये एम फी का मतलब है डुल और राइट ये देखिए बायोस का मतलब क्या होता है लाइफ होता है स्टूडेंट्स राइट जैसा बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी उस तरह से एम्फी का मतलब है ड्यूल बायोस का मतलब है लाइफ बेटा राइट राइट मतलब क्या है इसका ये जो एम्फीबियंस है ना स्टूडेंट्स दे कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर स्टूडेंट्स तो दे लीड ड्यूल मोड ऑफ लाइफ राइट सो इसीलिए द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड ऑल सच ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर क्लास एम स्टूडेंट्स याद रखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जनरल पॉइंट है याद रखिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम देख लेंगे स्टूडेंट्स राइट right? ये होते रहता है एम का जस्ट मैंने मीनिंग समझाया आपको अब आगे बढ़िए स्टूडेंट्स देखिए एम आर द फर्स्ट वर्टिबरेट्स टू कम आउट ऑफ वाटर एंड वॉक ऑन लैंड ये आपको एन में पॉइंट नहीं मिलेगा लेकिन ये बेसिक पॉइंट है डी स्टूडेंट्स बेसिक माने बहुत ही ज़्यादा बेसिक पॉइंट है ये इसका आपको लाभ होगा जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे स्टूडेंट्स राइट फ्यूचर में जब आप एकोलॉजी पढ़ोगे एवोल्यूशन पढ़ोगे राइट सो उसमें आपको ये इसका लाभ होगा याद रखिए बेटा राइट राइट सो देखिए ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म से जो पानी से निकल के एन आर, ऑर्गेनिजम्स जो भी एनिमल्स का उद्भव हुआ लाइफ का उद्भव हुआ कहाँ पर पानी में डियर स्टूडेंट्स वो तो सब, सब हर कोई जानते देखिए एम्फीबियंस आर द फर्स्ट एनिमल्स टू तो कम आउट ऑफ वाटर एंड टू वॉक ऑन लैंड ये स्टेटमेंट बहुत भारी स्टेटमेंट है सर याद रखिए बेटा राइट राइट चलो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ये याद रखिए आगे बढ़िए और ये एवोल्यूशन में आपको फ्यूचर में काम आएगा स्टूडेंट्स तो फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते देखेंगे देखिए स्टूडेंट्स कोई भी जो ग्रुप है ना उसका कुछ ओरिजिन होता है कोई एक पर्टिकुलर पीरियड में वो उनका एवोल्यूशन हो चुका है डे स्टूडेंट्स मतलब वो एवॉल्व हो गए कोई पर्टिकुलर पीरियड में उनका ओरिजिन हो चुका है तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था स्टूडेंट्स फिशेस का राइट right? फिशेस कौन से पीरियड में ओरिजिन हो गया फिशेस का अगर आप पूछोगे तो मेरे को तो मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हो स्टूडेंट्स जो एक मास्टर के ऊपर अवेलेबल है फिशेस एवॉल्ड फ्रॉम आस्ट्रको डर्म्स स्टूडेंट्स ड्यूरिंग साइलूरियन पीरियड साइलोरियन पीरियड में फिशेस एवॉल्व एंड फिशेस फ्लरिश्ड ड्यूरिंग वॉट डिवोनियन पीरियड इसलिए डिवोनियन पीरियड को क्या कहा गया था गोल्डन एज ऑफ फिशेस कहा गया था स्टूडेंट्स तो so, उसी तरह से वही पैटर्न हमको फॉलो करना है अब देखिए फिशेस के बाद ग्रुप है एम्फीबिया तो फिशेस से आ, ओरिजिन हुए थे डियर स्टूडेंट्स फिशेस फिशेस का उद्भव कहां से हुआ था जो जाले आस्टाकोडर्म्स है राइट स्टूडेंट्स उनसे हुआ था साइलोरियन पीरियड में और फिशेस का डोमिनेशन ये प्लानिट के ऊपर ये राइट डियर स्टूडेंट्स अर्थ के ऊपर कौन से पीरियड में था डिवोनियन पीरियड में सो so, फिशेस फ्लरिश्ड ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड तो इसीलिए डिवोनियन पीरियड को हम क्या कहेंगे गोल्डन एज ऑफ फिशेस तो कुछ उसी तरह से हमको यहां पर देखना है एम्फीबियंस का उद्भव कब हुआ था राइट सो एम्फीबियंस जो है ना स्टूडेंट्स एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड जो गोल्डन एज ऑफ फिश था ना वो टाइम में एम्फीबियंस का उद्भव हुआ स्टूडेंट्स याद रखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम ये फिशेस का ग्रुप है याद रखिए वहां पर मैंने मेंशन किया है देख सकते हो आप एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम आस्टियोलेपिट्स ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियडी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड याद रखिए बेटा ये दो वर्ड याद रखना है आपको ये इंपॉर्टेंट है अब आप मेरे को पूछ सकते हो सर यहां पर तो नहीं है नहीं यहां पर नहीं है तो क्या हुआ ये फ्यूचर में है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आप जैसे आओगे आपके सामने बहुत बड़ा चैप्टर है एवोल्यूशन है स्टूडेंट्स राइट राइट ये एवोल्यूशन में सब कुछ होता है तो यहाँ से ही पढ़ते जाइए यहाँ से ही उसको लपेटो राइट स्टूडेंट्स यहाँ से ही उसको कैच करो ताकि आगे यू you नो know, आप सुने होंगे क्रिकेट में कैचेस विंस मैचेस राइट राइट सो उसी तरह से यहाँ पर क्या है ना आपको यहाँ पर मैं राइट right, स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसको आप राइट right, लपक लो उसको कैच कर लो स्टूडेंट्स दिमाग में रख लो बहुत ही इंटरेस्टिंग है याद रखिए और यहाँ पर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगा इसमें कोई नहीं है, याद रखिए स्टूडेंट्स अब देखिए आगे बढ़ सकते हैं हम फ्रॉम ग्रुप एक्सटिंक्ट फिश है फिशेस का ग्रुप है फिशर्स एवॉल्व फ्रॉम ऑस्टियोलेपिड्स ड्यूरिंग विच पीरियड डिवोनियन पीरियड ये बहुत ही भारी स्टेटमेंट है याद रखिए और देखिए स्टूडेंट्स जैसे ही उनका उद्भव हुआ एम्फीबियंस डोमिनेटेड अर्थ सर्फेस राइट ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड सो इसलिए कार्बोनिफेरस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कहा गया है याद रखिए सो कार्बोनिफेरस पीरियड इज गोल्डन एज याद रखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह सॉलिड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्फीबियंस का गुण गान यहां पर गाया जा रहा याद रखिए बेटा राइट right, राइट right. अभी देखिए जब सैलियंट फीचर्स हम किसी ग्रुप के पढ़ते हैं तो उनका गुणगान गाना जरूरी है कि नहीं बताइए हाँ हंड्रेड परसेंट तो ये बिना गुणगान गाए एम्फीबियंस के हम अगर मान के चलिए उनको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स राइट तो इसीलिए इसको बोलते हैं गुणगान गाना ये एम्फी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिए राइट स्टूडेंट्स राइट चलो आगे बढ़ते और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स देख सकते हो देर इज अ स्पेशल ब्रांच इन बायोलॉजी दैट डील्स विद वॉट एम्फीबियंस अगर मान के चलिए एम्फीबियंस का स्टडी करना है तो राइट इज स्पेशल ब्रांच इन बायोलॉजी बैट्राकोलॉजी स्टूडेंट्स देखिए बायोलॉजी के हजारों के संख्या में ब्रांचेस है right, राइट हर रोज आपको एक दो ब्रांचेस के नाम नए पता चलेंगे याद रखिए बेटा राइट राइट सो इस तरह से आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है वहां पर आप नोट एनसीईआरटी में जब आप बुक खोल के पढ़ने लगोगे स्टूडेंट राइट वहाँ पर कुछ दस बारह पॉइंट्स आपको मिलने मिलेंगे ये पॉइंट आपको क्या करना है बेटा ये यहाँ वहाँ पर थोड़े से नोट करना है उसको चिपकाना है याद रखिए बेटा चलो आगे बढ़ते और देखते हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स तो आप अगर कोई मटीरियल देखते हो तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं राइट राइट तो आपको समझ में नहीं आता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपको जो भी स्लाइड के ऊपर बता रहे हैं बेटा वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट उसको आप याद रखिए उसको नोट कर ले सकते हैं आप चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट

वट काइड ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर क्लास एम्फीबिया किस तरह के एनिमल्स को एम्फीबिया क्लास में जगह मिला स्टूडेंट्स तो आप बोल सकते हो द एनिमल्स विच कैन लिव इन वाटर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये फ्रॉग है आपको पता है आप देखे हो राइट right? इसके साथ खेले भी होंगे आप बचपन में स्टूडेंट्स राइट राइट देखिए ये जो है ना पानी में भी रहता है और धरती यू नो धरती के भी ऊपर रह सकता है लेकिन आपको ये बहुत ही वट यू कैन से अमेजिंग uh, लगेगा ये जो इसका रिप्रोडक्शन है ना स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन पानी में होता है याद रखिए एम्फीबियंस मान के चलिए कोई भी एम्फीबियन लीजिए स्टूडेंट्स राइट वो धरती पे धरती के ऊपर है हाँ ठीक है लेकिन वो रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाएगा स्टूडेंट्स याद रखिए बेटा राइट राइट और एम्फीबिया में सबसे इंपॉर्टेंट आप कोई भी जानवर जैसे ही आप एम्फीबिया का नाम सुनोगे तो इमीडिएटली आपके दिमाग में एक ही फिगर आएगा वो होगा ये फ्रॉग डियर स्टूडेंट्स राइट राइट सो फ्रॉग इज रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ वॉट क्लास एम्फीबिया बेटा सो so, अगर आप फ्रॉक को दिमाग में रहोगे तो सैलेंट फीचर्स ऑफ एम्फीबिया आपको खुद ब खुद आ जाएंगे स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग राइट राइट चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स और एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा देखिए एम्फीबियंस में और एम में फर्क होता है स्टूडेंट्स याद रखिए यहां पर भी बहुत से लोगों को यह समझ में नहीं आता तो यहां पर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में शेयर करना चाहूंगा स्टूडेंट्स राइट राइट देखिए द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सकते पर आप देख सकते हो एम्फीबिया amphibia और एम्फीबियंस में फर्क क्या होता है देखिए यहां पर मैं लिखना चाहूंगा आपको समझ में आने के लिए स्टूडेंट्स देखिए एम्फीबियन लिखा मैंने राइट एम फी एम फी बीएन का मतलब क्या है एम फी बियंस का मतलब क्या है द्स बिलोंगिंग टू द क्लास एम फी बी एन आर कार्ड एम फी बद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है दूसरा एक मैं और एक वर्ड लिखूंगा स्टूडेंट याद रखिये ये एम फी बायस क्या है स्टूडेंट्स ये एम फी बायस याद रखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो वर्ड में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए याद रखिए एमफी बी एंस आर वर्ट एम फी बी बैस का मतलब क्या होता है दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड सो एम्फीबियंस आर जनरली क्या होते हैं एम्फी बयस होते राइट right? अगर मान के चलिए क्रोकोडाइल ले लेते ले हैं हम रेप्टाइल है वो क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल क्या है पानी में भी रहेगा और कहाँ रहेगा स्टूडेंट्स धरती के ऊपर भी रहेगा राइट मींस जी सकता है वो धरती के ऊपर भी पानी के बाहर आ सकता है वहां पर रह सकता है राइट right? फिर बाद में टेम्परेचर जब बढ़ गया तब पानी में जाएगा राइट ये क्रोकोडाइल का थर्मोरेगुलर थर्मोमल माइग्रेशन चलते रहता है राइट स्टूडेंट्स राइट वो अलग बात है लेकिन जो ऑर्गेनिज्म मान के चलिए पानी में भी रहने वाला है और धरती के ऊपर भी रहना है उसको हम क्या कहेंगे एम्फी बायस कहेंगे तो एम्फी बियंस आर मोस्टली एम्फी बयस बट ऑल एम्फी बयस एनिमल्स आर नॉट एम्फी बियंस याद रखे बेटा राइट राइट यहाँ पर ही बहुत ज्यादा लोग फंसते हैं राइट उनको समझ में नहीं आता है एम्फीबियंस और एम्फी में डिफरेंस है क्या एम्फीबियंस आर एम्फी एमफी बयस काम फीबियस का मतलब क्या है एज वेल एज ऑन लैंड तो कुछ अदर देन एम्फीबिया के भी एनिमल्स है जो एनिमल्स दे बिलोंग टू वट अदर क्लासेस वो भी एम्फीबियस हो सकते फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको स्नेक्स मान के चलिए कुछ क्रोकोडाइल्स बेटा राइट राइट ये याद रखिए बेटा तो ये एम है याद रखिए तो ये एम और एम्फी फी और एम में डिफरेंस है याद रखिए बेटा सो so, मेरे ख्याल से ये दो वर्ड आपको क्लियर होंगे एक एम और दूसरा एम राइट बेटा राइट सो so, एम कैसे एम बयस है याद रखिए तो so, यहाँ पर मैंने मैंशन किया एम्फी द एनिमल्स विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड ऑल सच ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर वट क्लास एम्फी बेटा याद रखिए राइट राइट सो so, सिंपल है याद रखिए बहुत ही सिंपल है और देखते आगे बढ़ते खासियत क्या है एम्फीबियंस की आप आ, यहां पर देख सकते हो कुछ मैंने इमेजेस आपके साथ शेयर किए स्टूडेंट्स एम्फीबियंस का जो बॉडी होता है ना बेटा बॉडी राइट एम्फीबियन बॉडी इज डिविजेबल इन राइट हेड और ट्रंक याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स देखिए हेड और ट्रंक है याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं तो क्या होगा गलत

सो so मोस्टली क्या होता है एम्फीबियन अगर आप यहां पर एम्फीबियंस देखोगे बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स राइट बहुत सारे इमेजेस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं बॉडी ऑफ द एम्फीबियन डिविजल इन टू हाउ मेनी पार्ट्स टू पार्ट्स दो पार्ट्स में एक है हेड दूसरा है ट्रंक स्टूडेंट्स याद रखिए जहां तक टेल की बात है कुछ एम्फीबियंस में टेल हो सकता है राइट right? देखिए आप यहां पर फ्रॉग में टेल नहीं दिख रहा आपको राइट right, बेटा राइट right, याद रखिए आप यहां पर भी देख सकते हो स्टूडेंट्स लेकिन इसमें में क्या दिख रहा है टेल दिख रहा है वो टेल्ड एम्फीबियन से बेटा याद रखिए राइट राइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए तो इसलिए मैंने मेंशन किया है बॉडी इज बॉडीबल इनटू टू पार्ट्स एक हेड और दूसरा है ट्रंक टेल मे बी प्रेजेंट टेल मे बी प्रेजेंट टेल हो सकता है राइट और नहीं भी हो सकता है याद रखिए कुछ एन, कुछ एम्फीबियंस में टेल हो सकता है एग्जाम्पल सलामांडर सालाम्डर में क्या होगा

देखिए एम्फीबियन का और एक खासियत है स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हो एम्फीबियस आर जैसे फिशेस में हमने देखा था आर एनिमल्स प्वालोथर्मिक एनिमल्स का मतलब है दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कोल्ड ब्लड एनिमल्स को हम और एक नाम से भी जान सकते हैं डियर स्टूडेंट्स एक्टोथर्मिक एनिमल्स यहां पर मैं मैंशन करना चाहूंगा राइट right? कुछ टेक्निक टर्म टर्म्स एक्टोथर्मिक एनिमल्स एकटोथर्मिक एनिमल्स का मतलब क्या है उटसाइड टेम्परेचर राइट डिट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द आउटसाइड टेम्परेचर डी स्टूडेंट्स उसी एनिमल्स को क्या कहा गया है एक्ट्रोथर्मिक एनिमल्स कहा गया है याद रखिए एक्ट्रोथर्मिक एनिमल्स कहिए कोल्ड ब्लड एनिमल्स कहिए पाइकुलोथर्मिक एनिमल्स कहिए मीनिंग एक ही रिया स्टूडेंट्स राइट राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म याद रखिए प्वाइलोथर्म्स आर एक्टो थर्मिक एनिमल्स आर कोल्ड ब्लड एनिमल्स डी स्टूडेंट्स राइट आज इनको थर्मो कन्फार्मर्स भी कह सकते हो और एक वर्ड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये पूरे के पूरे टर्म्स आना चाहिए डी स्टूडेंट्स थर्मो कन्फार्मर्स क्या है थर्मो कनफार्मर्स है डी स्टूडेंट्स ये थर्मो कन्फार्मर्स थर्मो कन्फार्मर्स कहिए एक्टो थर्मिक एनिमल्स कहिए प्वाइलो थर्मिक एनिमल्स कहिए कोल्ड ब्लड एनिमल्स कहिए मीनिंग एक ही स्टूडेंट्स याद रखिए राइट राइट इसका मतलब क्या है बॉडी टेम्परेचर इज नॉट स्टेबल इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएशन इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इन्वायरमेंट बोल के बोल सकते हो स्टूडेंट्स तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे पॉइकिलोथर्म्स फिशर्स क्या है पॉइकिलोथर्म्स से बेटा याद रखिए एम्फीबियंस भी कौन से है पाइकिलोथर्म से याद रखिए रेप्टाइल्स क्या है पॉइकिलोथर्म से याद रखिए बर्ड्स और मामिल्स क्या है होमियोथर्म से वार्म ब्लडेड एनिमल्स है डियर स्टूडेंट्स वो हम वहाँ पर देख लेंगे चलो स्टूडेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं Most of the have two pairs of limbs. आप देख सकते हो students, यहाँ पर तीन याद रखिए तीन ऑर्गेनिज्म बताने के पीछे कारण है स्टूडेंट्स राइट राइट क्या कारण हो सकता है एम्फीबिया क्लास में तीन सब क्लासेस है डी स्टूडेंट और तीन सब क्लासेस के एक एक ऑर्गेनिज्म है देखिये ये है एन्यूरा का ये है यूरोडिला का ये है एपोडा का है याद रखिए बेटा तीन क्लासेस के के एक, -एक प्राणी को मैंने यहाँ पर दर्शाया मेजॉरिटी ऑफ जो एम्फीबियंस है ना डियर स्टूडेंट्स उनमें क्या होते हैं टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते और लिम्स का साइज जो है ना वो इक्वल भी हो सकता डियर स्टूडेंट और अनइक्वल भी हो सकता आप फ्रॉग में देखोगे तो जो पीछे

नो लिम्स एट ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स वही मेंशन किया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स याद रखिए देखिए ग्रुप का नाम दिया मैंने सिसिलियंस में क्या है सिसिलियंस में डियर स्टूडेंट्स ब्लाइंड वार्प भी कहते हैं हम इनको सिसिलियंस में इनको ए पोड़ा क्लास में रखा गया अ का मतलब है विदाउट पोड़ा का मतलब है फीट राइट right? ए पोड़ा जिम्नोफियोना राइट right? ये आ, सब क्लास में इनको रखा गया ये ऑर्डर में रखा गया याद रखिए स्टूडेंट्स ये ऑर्डर है ये जो तीन जो है ना स्टूडेंट्स ये तीन जो यहाँ पर मैंने बताया सो एम्फीबियंस ये तीन डिफरेंट ऑर्डर्स को बिलोंग करते सब क्लासेस नहीं बाबा ऑर्डर्स को बिलोंग करते याद रखिए बेटा ये ऑर्डर्स में लास्ट में क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगा आपको यहां पर देख सकते हो सिसिलियंस है ना बेटा सिसिलियंस सिसिलियंस आर है Sicilians क्या है लिमलेस ऑर्गेनिज्म से याद रखती है याद रखिए बेटा ये सिंपल सो so अभी अभी तक हमने क्या देखा बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए एम्फीबियंस क्या है दे लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड एक था दूसरा एम्फीबियन बॉडीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हेड और ट्रंक टेल मे बी प्रेजेंट स्टूडेंट्स नेक इज एब्सेंट आप कह सकते हो राइट स्टूडेंट्स राइट उसके बाद हमने क्या देखा एम्फीबियंस आर पोइकिलोथर्म्स डियर स्टूडेंट्स कोल्ड ब्लड एनिमल्स से उसके बाद एम्फीबियंस हैव टू पेयर्स ऑफ इक्वल या अनइक्वल साइज लिम्स स्टूडेंट्स और कुछ एम्फीबियंस में तो लिम्स नहीं होंगे याद रखिए बेटा राइट right, राइट right. उनको क्या कहा गया है एपोडन से राइट ऑर्डर एपोडा या जिम्नोफियोना या वो ग्रुप को सिसिलियंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए यहां पर मैंने आ, इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की चलो स्टूडेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते देखिए यहां पर एम्फीबियन का अगर आप स्केलेटन देखोगे या स्किन देखोगे स्टूडेंट्स तो एम्फीबियन स्किन इज स्मूथ एम्फीबियंस का स्मूथ स्किन कैसा होता है एम्फीबियन right? मतलब स्किन क्या है वहाँ पर विदाउट स्केल्स होता है। याद रखे बेटा सिंपल टर्म है याद रखे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक-एक पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना होगा क्यों एक एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना right? right. होगा एम्फीबिया में स्किन स्केल्ड होगा या विदाउट स्केल्स होगा विदाउट स्केल्स एम्फीबिया में स्किन ड्राई होगा या मॉइस्ट होगा मॉइस्ट होगा क्यों वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है डियर स्टूडेंट्स तो मॉइस्ट होगा स्किन याद रखिए बेटा चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट मीन विदाउट स्केल से याद रखिए देखिए एम्फीबिया का आप अगर स्केल्स नहीं है मतलब क्या एग्जो स्केलिटन एपसेंट एज सिंपल सी बात है अभी थोड़ा सा हम एग्जोस्केलेटन मतलब स्किन की बात कर लिए तो थोड़ा सा अंदर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स राइट एम्फीबियंस में जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कॉन्टिक्थिस क्लास में जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है ऑस्टिक्टिस क्लास का जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है राइट right, स्टूडेंट्स ये देखे थे ना तो वैसे ही कुछ यहाँ पर एम्फीबियंस में किस तरह का होगा एंडोस्केलेटन वो भी थोड़ा हमको जानना जरूरी है स्टूडेंट्स राइट राइट अब देखिए बेटा एम्फीबियंस में एंडोस्केलेटन क्या होता है जनरली बोनी होता है राइट right? और कार्टिलेजेस भी होते वो बात अलग है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको डिस्कस करना है जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर्स हमको राइट right, वहां पर फर्स्ट टाइम देखने को मिलते हैं जैसे कि स्टर्नम स्टर्नम जो है ना स्टूडेंट्स राइट राइट ब्रेस्ट बोन कहते हैं हम इसको स्टेरनम जो है स्टर्नम अपियड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एम्फीबिया ये याद रखिए बेटा इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन किया है स्टर्नम अपियड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एम्फीबियंस राइट राइट ये स्टर्नम होता है ना फिश में नहीं होता है एम्फीबियंस से ही आपको स्टर्नम दिखेगा एम्फीबियंस में होगा फिर बाद में रेप्टाइल्स में होगा स्टूडेंट्स ये याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बर्ड्स में होगा मामेल्स में भी स्टर्नम होगा याद रखिए लेकिन फिशेस में नहीं होगा तो कल हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको या या में question आ सकता है 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 तो तो उसमें एक का का नाम देगा वो वो भी होगा तो आपको पता रहना चाहिए वो फिश है या कोई दूसरा ग्रुप का है। राएट, students, राएट, इस तरह के आते हैं कुछ कन्फ्यूज करने के लिए आते हैं याद रखिए बेटा चलो आगे बढ़ते और देखते और क्या है स्कल की जहां तक बात करेंगे हम जो हेड स्केलेटन है उसको हम स्कल कहते हैं स्टूडेंट्स एम्फीबिया में स्कल होता है याद रखिए मैंने किया है। स्कल कैसा है? Dicondolic है। मामेल्स में डाइकॉन्डाइलिक दोनों में वर्टिब्रेट के दो ग्रुप में डाइकॉन्डाइलिक होता है मामेल्स में और एम्फीबियंस में एम्फीबियंस कल कैसा है Dicondolic है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा वर्टिब्रे स्टूडेंट्स क्या वर्टिब्रे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स राइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रे यहाँ पर वर्टिब्रेट्स मत लिखिए वर्टी ब्रे याद रखिए ये ब्रे होता है क्या होता है ब्रे ये जो वर्टिब्रे है ना स्टूडेंट्स वर्टिब्रल कॉलम में छोटे छोटे बोन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं वर्टिब्रे कहते हैं यहाँ पर

एम्फीबियंस बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स और मैं आपको ये जो प्रोसीलस है एम्फीसीलस है ऑफिस है अभी आपके दिमाग में कुछ चलता होगा सर ने ये जो टाइप्स बताए ये है क्या बेटा सिंपल है बहुत ही सिंपल है उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा अब मान के चलिए इधर का एंटेरियर साइड है क्या है बेटा ये एंटेरियर एंड है मान के चलिए ये एंटेरियर साइड है और इधर का पोस्टेरियर है स्टूडेंट्स क्या है ये साइड पीछे का पोस्टेरियर है आगे का एंटेरियर चलिए अब देखिए एंटेरियर फेस और पोस्टेरियर फेस ये कैसे है? दो भी कॉनकेव है ना स्टूडेंट्स राइट सो ये वर्टिब्रा हो गया एम्फी एम्फी का मतलब क्या है दोनों साइड में एम हो गया याद रखिए बेटा देखिए एम फी वर्टिब्रे का मतलब क्या है एंटेरियर एंड एंड पोस्टेरियर एंड राइट डे स्टूडेंट्स एंटेरियर फेस और पोस्टेरियर फेस दोनों भी है ना स्टूडेंट्स कॉन केव है कैसे कॉन केव है तो इसलिए कॉन केविटी है तो इसलिए उसको क्या कहा गया है कहा गया स्टूडेंट्स याद रखिए अब दूसरे इसमें देखिए एंटेरियर एंड क्या है बेटा कॉन केव है देखिए यहां पर कॉन केव कहते हैं इसको हम राइट राइट पोस्टेरियर एंड कैसा है कॉनवेक्स है याद रखिए स्टूडेंट्स राइट इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स प्रो कहते हैं क्या कहते हैं प्रो प्रो का मतलब है फर्स्ट तो इसको क्या कहते हैं

प्लाटैन कहेंगे स्टूडेंट्स याद रखिए ये एम को हम और एक नाम से भी पहचान सकते ये है असीलस क्या है असीलस मतलब कॉन्केविटी ना आगे है ना इंटेरियर सरफेस ना पोस्टीरियर सरफेस में कॉन्केविटी है तो इसको हम क्या कहेंगे फ्लैट है दो तरफ भी तो एम फी या इसको ए सीरस कहते स्टूडेंट्स तो ये तीन हमने तीन तरह के वर्टिवरे हमने देखे ये एम फी हमको एम फी में देखने को मिलते सॉरी मामिल्स में देखने को मिलते स्टूडेंट्स याद रखिए इस तरह के तो ये तीन तो हमने देख चुका है बेटा राइट राइट अभी तक तो हमने ये एम फी सीरस प्रोफ सीरस ऑफिस सीरस क्या है अभी हमने देख चुके स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते बेटा और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये तो कॉमन है चलो आपको पहले स्लाइड से लास्ट तक स्लाइड तक ये देखने को मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखिए मान के चलिए एम्फीबियंस में डाइजेस्टिव सिस्टम का स्पेशलिटी क्या है सो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्पेशलिटी कुछ स्पेशलिटी होता है वो हम फ्रॉग में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एम्फीबियन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स माउथ एम्फीबियंस का बड़ा होता है मुकाबले उनके शरीर के मुकाबले आप देख सकते हो कोई भी ऑर्गेनिज्म उनके शरीर के मुकाबले उनका माउथ थोड़ा सा बड़ा है ठीक है नॉट बैड फिर देखिए ओरल कैविटी में एम्फीबियंस के टीथ होते हैं याद रखिए जो हमने इसमें देखा था कि इसमें फिशेस में भी हमने टीथ देखे थे स्टूडेंट्स एक्रोडांट थे होमोडांट थे और पॉलिफियोडांट तो यहाँ पर भी कुछ सेम टू सेम है राइट right स्टूडेंट्स आप देख सकते हो टीथ एक्रोडांट है जो फिशेस में भी हमने देखे थे एकोडांट का मतलब क्या होता है देखिए ये जाबोन है तो टीथ आर अटैच टू द फ्री ऑफ स्टूडेंट्स राइट राइट देखिए फ्री सर्फेस के ऊपर टीथ है तो इसको हम क्या कहेंगे कहेंगे स्टूडेंट्स याद रखिए राइट राइट अभी इंसान में क्या होते हैं यू नो इंसानों में या दूसरे राइट या याक्रोकोडाइल में क्या होते स्टूडेंट्स टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जाबोन राइट जाबोन के सॉकेट्स में बहुत ही ज्यादा डीप में जाके अटैच हो जाते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए टीथ तो उसको हम क्या कहते हैं पर मैंने बताया। का मतलब क्या है? टीथ simply, ये, के फ्री के उसको क्या की। दूसरा केमोडांत देखिए पूरे के पूरे टीथ जो मैंने बताया ना स्टूडेंट्स वो so, कैसे सेम टू सेम है साइज में शेप में राइट right स्टूडेंट्स तो सेम है राइट right? सो so, वैसे अगर इंसान में देखोगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे माउथ कैविटी में चार

अभी देखिए इंसानों में क्या है दो बार टीत आएंगे राइट एक है बचपन का राइट डी स्टूडेंट्स बचपन में आपको छोटे बच्चों में मिल्क सेट मिलेगा राइट डेसिडियस सेट भी बोल सकते हैं हम उनको और दूसरा परमानेंट सेट एक रहेगा डी स्टूडेंट्स so, मतलब हमारे जीवन में दो बार टीत आते हैं हमको राइट सो डाइफियोडांट डेंटिशन हम उसको कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एम्फीबियंस में पॉलीफियोडांट डेंटिशन मतलब ये जो टीथ है ना एम्फीबियंस के टीथ और फिशेस के टीथ सेम है याद रखिए एकरोडांट वहाँ पर भी देखे थे होमोडांट वहाँ पर भी देखे थे यहाँ पर भी क्या है पॉलिफियोडांट वहाँ पर भी हमने पॉलिफ्योडांट देखे थे डी स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए बेटा राइट और एक मैं स्पेशलिटी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ये एम्फीबियंस और फिश में दोनों में भी ये जो टीथ है ना स्टूडेंट्स ये टीथ चबाने को काम नहीं आते याद रखिए तो आप पूछ सकते हो अरे सर चबाने को काम नहीं आएंगे तो करेंगे क्या ये खाली दे हो दे हेल्प इन होल्डिंग द प्रे प्रे को होल्ड करने के लिए जो भी उनका आहार है राइट उसको पकड़ में पकड़ के रखने के लिए टीत काम आते याद रखिए बेटा किस में एम्फीबियंस में आपको यहां पर ब्यूटीफुल इमेज बताया मैं देखिए इसका जो टंग होता है ना स्टूडेंट्स प्रोट्रोबेल यू you नो know, प्रोट्रूसेबल होता है मतलब वो टंग को जो फ्रॉग है देखिए जंप कर रही फ्रॉग जंप करते करते कीड़ा हवा में उड़ रहा था उसको वो देखिए कैसा लपक ले रही राइट स्टूडेंट्स राइट सो टंग इज प्रोट्रूसेबल ऐसे बहुत सारे स्पेशलिटीज़ होते हैं। तो ये कोई ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं मुझे लगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके साथ इसके लिए मैंने डिस्कस किया बेटा राइट right, राइट right. और बहुत सारे आप इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह का राइट right, उनका आहार है राइट सो दे आर याद रखिए कार्निवोरस होते मोस्टली एम्फेबियंस याद रखिए बेटा चलो आगे बढ़ते और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं स्टूडेंट्स देखिए जनरली रेस्पिरेशन की बात करेंगे अभी डाइजे डाइजेस्टिव सिस्टम देखे थे अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे एम्फीबियंस का बहुत ही व्हाट यू कैन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स से याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी है पॉइंट सो so, रेस्पिशन की जहाँ तक बात है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहेंगे हम इसको रेस्पिशन की बात जहाँ तक बात है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की जहाँ तक बात है एम्फीबियंस में देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हेल्प्स इन वॉट एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस स्टूडेंट्स राइट राइट ये बहुत ही ज़्यादा यू नो डाइवर्सिफाइड वहाँ पर यहाँ पर दिखेंगे आपको क्या बोलेंगे आ, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग किस्म के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलते स्टूडेंट्स चलो देखते हैं क्या क्या है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन एम्फीबियंस टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स कुछ एम्फीबियंस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स परमानेंटली गिल्स होते हैं याद रखिए बेटा और राइट right, कुछ एम्फीबियंस में जैसा यहां पर मैंने एक एक्जाम्पल बताया आप देख सकते हो एक्सटर्नल गिल्स ऑफ सालमंडल लार्वा स्टूडेंट्स राइट उसमें गिल रेस्पिरेशन होता है यहां पर देखिए एम्फीबियन लार् यहाँ पर, लार, पर फ्रॉक का लारवा टैडपोल बताया उनमें भी गिल्स होता है मीन्स एम्फीबियंस में गिल रेस्पिरेशन होता है गिल रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्परेशन कहते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली अडल्ट में क्या होता है लंग्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेसूड्स आप देखिए फ्रॉग में जनरली मैंने बताया लंग्स हेल्प इन वॉटरी हो ये क्या हैंग्स वेपेंस एक्सचेंज ऑफ गैसे राइट बहुत इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो जैसे फ्रॉक राइट right, का स्किन यहाँ पर आप देख सकते हो डी स्टूडेंट्स राइट स्किनो यू नो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज्लेस मतलब स्किन ऑल्सो एक्ट्स एज वॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डे स्टूडेंट्स राइट सो स्किन रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं गिल रेस्पिरेशन को हम वॉट यू कैन से ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं डे स्टूडेंट्स गिल रेस्पिरेशन इज आल्सो काल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन स्किन रेस्पिरेशन इज आल्सो काल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन राइट स्टूडेंट्स राइट याद रखिए और लंग रेस्पिरेशन इज आल्सो काल्ड वाट पलमोनरी रेस्पिरेशन तो इस तरह से रेस्पिरेशन बहुत ही अलग अलग ऑर्गन से होता है एम्फीबियंस में स्टूडेंट्स और तो और देखिए बको फैरेंजियल कैिटी ये सब मैंने मेंशन किया है गिल्स लंग्स और बको फैरेंजियल लाइनिंग डी स्टूडेंट्स ये जो फेरिंग्स और बकल कैविटी है ना डी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उनमें डीमारकेशन नहीं होता जिस तरह से इंसानों में राइट आप कह सकते हो कि ये एरिया बकल कैिटी का ये फैरिंग्स का है लेकिन वैसे ही फ्रॉग में क्या होगा जैसे कब जैसे ये बकल कैविटी खत्म होगा फ्रौ... राइट राइट सो के बको लाइनिंग कहते, बको कहते. So, बको में बहुत ब्लड वेसल्स होते वहां पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है डी स्टूडेंट्स तो अब बताइए एम में कितने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बताइए चार कौन से कौन से एक गिल्स है स्टूडेंट दूसरा बको फेरेंजल लाइनिंग तीसरा स्किन है चौथा याद रखिए लंग्स से स्टूडेंट्स राइट सो so ये सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर किए यहाँ पर देख सकते हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन गिल रेस्पिरेशन लंग रेस्पिरेशन और ये, ये स्टूडेंट्स बकल बको फैरेंजल रेस्पिरेशन होता है याद रखिए चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते आप देख सकते हो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आप देख सकते हो कर यू नो सर्कुलेटरी सिस्टम एम्फीबियंस में सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का होगा स्टूडेंट्स देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जब भी ये एनसीआर पॉइंट है एम्फीबियंस में 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 हार्ट हार्ट इज इज थ्री फिश फिश हमने प्रीवियसली देखा था टू एक आरिकल होता है स्टूडेंट्स एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है राइट उसके बाद कुछ एडिशनल चेंबर्स देखे थे साइनस विनोस राइट आपको याद रखना होगा वो हो। और फिर हमने कोनस आर्टेरियोसस भी वहां पर फिश में देखा था डी स्टूडेंट्स राइट बहुत इंपॉर्टेंट है बल्बस आटेरियोस या कोना साटेरियस आप उसको कह सकते हो राइट ये एडिशनल चेंबर्स है लेकिन मेन दो चेंबर है एक ऑरिकल और एक वेंटिकल सो इसलिए फिश हार्ट को टू चेंबर हार्ट कहा गया है एम्फीबियंस में क्या होता है हार्ट में तीन चेंबर्स होते हैं डी स्टूडेंट्स याद रखिए कितने तीन चेंबर्स दो एट्रिया है दे आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर और एक वेंट्रिकल होता है डियर स्टूडेंट्स याद रखिए आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक आपको वेंट्रिकल ऑरिकल दिखेगा राइट यहाँ पर एक आपको राइट ऑरिकल यहां पर लेफ्ट ऑरिकल और यहां पर नीचे वेंट्रिकल दिख रहा है स्टूडेंट्स राइट यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये वर्टिकल सेक्शन में हार्ट के डी स्टूडेंट्स देखिए लॉन्ग इटल सेक्शन में यहाँ पर एक एट्रियम है यहाँ पर एक एट्रियम दो एट्रिया हो गए और एक वेंट्रिकल जो है ना स्टूडेंट्स ये एक ही याद रखे सो हार्ट इज थ्री चेंबर्ड तो टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल यहां पर मेंशन किया मैंने टू ऑरिकल्स और वन वेंट्रिकल हार्ट इज थ्री चेंबर्ड स्टूडेंट्स अब देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि इन एम्फीबियंस साइनस साइनस प्रेजेंट ये तो हमने एम्फिब के हार्ट में भी देखा था स्टूडेंट्स राइट साइनस वीनोस होती क्या है देखिए साइनस वीनोस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है देखिए आप यहाँ पर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहां पर देखिए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर एंड दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इज फॉर्मड बाय थ्री वेन्स राइट सो देखिए एक सुपेरियर दो सुपेरियर वीना क्या है राइट सुपेरियर वीना क्या हुआ लेफ्ट सुपेरियर वीना क्या हुआ और एक देखिए इनफेरियर वीना क्या हुआ ये जो तीन जो बिग ब्लड वेसल्स होते हैं ना डी स्टूडेंट्स राइट ये वेन्स होते हैं ना दे जॉइन एंड दे फॉर्म वॉट लाइक ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर एंड दैट सैक लाइक ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वॉट टू प्री कैवल्स एंड वन पोस्ट कैवल राइट इन एम्फीबियंस एंड दट स्ट्रक्चर इज कल्ड वॉट दट ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर विच रिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट इज कल्ड स्टूडेंट्स एम में कुछ किस तरह से फॉर्म होगा इट रिस ब्लड फ्रॉम टू प्री कैल्स एंड वन पोस्ट कैवल लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स राइट राइट फिशेस में ये प्री कैवल्स पोस्ट कैवल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहाँ पर भी एक सैकलाइट स्ट्रक्चर रहेगा एंड बाई मीन्स ऑफ टू मेजर वीन्स दैट रिसिवस वी ऑक्सीनेटेड ब्लड तब उसको नाम आप प्री कैवल्स नहीं लगा सकते पोस्ट कैवल नहीं लगा सकते वहाँ पर याद रखें कहाँ पर फिशस में तो फिशस में भी साइनस वीनोस होता है एम्फीबियंस में भी साइनस वीनोस होता है याद रखिए ये जो साइनस वीनोस है ना स्टूडेंट्स ये राइट right एट्रियम में ओपन हो जाएगा साइनस वीनोसस कहाँ पर ओपन होगा राइट right एट्रियम में ओपन होगा स्टूडेंट्स याद रखिए और वो जो ओपनिंग है साइनो एट्रियल ओपनिंग कहते हैं वहाँ पर साइनो एट्रियल व्याल होता है स्टूडेंट्स याद रखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब दूसरा देखिए कोनस आर्टेरियोसस बेटा आर आल्सो प्रेजेंट ये दो स्ट्रक्चर याद रखिए तो साइनस वीनोस तो यहां पर मैंने बताया ये साइनस वीनोस मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट का पॉइंट है स्टूडेंट्स ये नीट का पॉइंट है ये पूरा पूरा नीट बन रहा है याद रखिए नीट का पॉइंट है साइनस वीनोस इज प्रेजेंट प्रजेंट कोर आप देख सकते हो डी एसूडेंट्स कोनस एरियोसो प्रेजेंट स्टूडेंट्स राइट राइट और हार्ट थ्री चेम्बर है याद रखिए और थ्री पेयर्स ऑफ आयोटिक आर्चिस आर दे राइट सो देखिए फ्रॉग में कितने आयोटिक आर्चिस होते हैं थ्री पेयर्स ऑफ आयोटिक आर्चिस डी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो देखिए बेटा ये जो है ना कोना आर्टेरियोसस इट सून आफ्टर कमिंग आउट ऑफ हार्ट इट गिव्स राइज टू टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देखिए दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आ रहे एक एक ब्रांच से क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स तीन ये ब्रांच से लेफ्ट राइट ब्रांच से तीन आयोटिक आर्चिस निकलेंगे और इधर से तीन निकलेंगे डियर स्टूडेंट्स याद रखिए तो टोटल हुए कितने थ्री पेयर्स उधर से तीन इधर से तीन बोलो थ्री पेयर्स हुए तो आपको इतना ही याद रखना है थ्री पेयर्स ऑफ आयोटिक आर्चिस आर फाउंड इन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसमें एम्फीबियंस में याद रखिए बेटा राइट राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी फ्यूचर में हम देखेंगे आप टेंथ क्लास में कहीं पर लोअर क्लास में पढ़े होंगे राइट right? इंसानों में एक लेफ्ट सिस्टम एक आयोटा होता है स्टूडेंट्स याद रखिए राइट right? और एक क्या होता है पलमोनरी uh, आयोटा होता है दैट डिवाइड्स इनटू पलमोनरी आर्ट स्टूडेंट्स राइट सो यही यहाँ पर फ्रॉग में मैं बता रहा हूँ याद रखिए स्टूडेंट्स तो इन फ्रॉग में थ्री पेयर्स ऑफ आयोटिक आर्चिस आर प्रेजेंट हेपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रिनल पोर्टल सिस्टम आर वेल डिवलप स्टूडेंट्स तो देखिए फिशेस में भी हमने देखा था स्टूडेंट्स राइट right? क्या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमने देखा था राइट right? यहाँ पर देखिए रीनल पोर्टल सिस्टम भी आ गया दिया स्टूडेंट्स सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम बोथ आर फाउंड इन एम्फीबियंस राइट सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए बेटा देखिए आरबीसी की जहाँ तक बात है आर आर ओवल आरबीसी कैसे होंगे ओवल होंगे शेप में और न्यूक्लिएटेड होंगे याद रखिए तो इंसान में कैसे रहते आप कंपेरिजन में पढ़ चुके हो लोअर क्लास में स्टूडेंट्स राइट राइट सो so, इंसान में आरबीसी कैसे होते हैं स्टूडेंट्स बाइकॉन के होते हैं और ए न्यूक्लिएटेड होते हैं कैमिल और लामा एक्सेप्शन है तो यहाँ पर आप देख सकते हो आरबीसी ऑफ एम्फीबियंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है नीट में क्वेश्चन बन सकता है आरबीसी ऑफ एम्फीबियंस आर ओवल इन शेप एंड न्यूक्लिएटेड है याद रखिए बेटा सो so, इसके साथ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस ब्रीफ में जानकारी प्राप्त कर ली स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ देखिए बेटा इंपॉर्टेंट है एक्सक्रेटरी सिस्टम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या है तो किडनी से स्टूडेंट राइट एम्फीबियंस इन एम्फीबियंस एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर व्हाट किडनीज और किडनीज किस प्रकार के होंगे मिसोनेफ्रिक किडनी स्टूडेंट्स क्या है मिसोनेफ्रिक किडनीज मिडिल किडनीज है राइट right? याद रखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिश में भी मोस्टली क्या है प्रोनेफ्रस किडनी से कुछ इसमें प्रो सॉरी फिश में मोस्टली क्या है मिसोनेफ्रस किडनी रहती है कुछ फिश में प्रोनेफ्रिक होते हैं याद रखिए बेटा तो यहाँ पर एम्फीबियंस का किडनी मिसोनेफ्रिक है याद रखिए और तो और अडल्ट एम्फीबियंस है ना स्टूडेंट्स अडल्ट एम्फीबियंस मोस्टली यूरियोटेलिक ये नीट का क्वेश्चन है याद रखिए ये भी नीट का क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने नीट लिखा उसका मतलब है वो नीट का क्वेश्चन है याद रखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट ये यूरियोटेलिक अडल्ट एम्फीबियंस किस तरह के होते हैं अडल्ट एम्फीबियंस यूरियोटेलिक होते हैं याद रखिए एम्फीबियंस जनरली कैसे होते हैं यूरियोलिक होते हैं राइट right? देखिए फ्रॉक के लाइफ साइकिल में आपको पता है स्टूडेंट्स टेडपोल लार्वा होता है और टैडपोल के जैसा दिखेगा आपको टेडपोल लार्वा प्रोड्यूस आई मीन इट्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ आट अमोनिया मतलब टैडपोल लार्वा अमोनोटेलिक है और अडल्ट फ्रॉक क्या है स्टूडेंट्स यूरियोटेलिक है तो एम्फीबियंस किस तरह के हम किस में डालेंगे यूरियोटेलिक में डालेंगे अमोनोटेलिक में डालेंगे एम्फीबियंस को हम यूरियोटेलिक में डालेंगे याद रखिए बेटा राइट राइट मामेल्स के साथ यूरियोटेलिक में डालेंगे अब देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स देखिए किडनीस कहाँ पर है आपको दिख रहे हैं यहां पर देखिए ये कलरफुल इमेज बताया मैंने यहाँ पर एक किडनी से डियर स्टूडेंट्स राइट सो दो किडनी से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स तो so, मिसो ने किडनी से याद रखिए बेटा चलो कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स अब देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा सेम इमेज स्टूडेंट्स राइट एनसीआर पॉइंट नीट का पॉइंट है बेटा याद रखिए क्लोए का क्या है क्लोय का देखिये अलिमेंट्री केनाल अलिमेंट्री केनाल का मतलब आप समझते हो ना स्टूडेंट्स राइट ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक याद रखिए अलिमेंट्री केनाल यूरिनरी ब्लैडर देखिए ये अलिमेंट्री केनाल है स्टूडेंट्स ये पूरा क्या है देखिए बेटा ये पूरा अलमेंट्री केनाल है याद रखिए

कॉमन पैसेज है याद रखिए बेटा रिप्रोडक्टिव so, right? ट्रैक और यूर डी तीन चार जो है ना कॉम्पोनेट दे ऑल ओपन इन टू कॉमन चेंबर एंड दिस कॉमन चेंबर इज कॉल्ड वट क्लोएका डी स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए बेटा सो so, क्लोएका होता है एम्फीबियंस में याद रखिए सो so, अभी देखिए क्लोएका में क्या क्या ओपन होता है राइट right? यूरिनोजेनेटल डक्ट्स भी ओपन होते दूसरा वट यू कैन से एलिमेंट्री कैनाल ओपन होता है स्टूडेंट्स यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है याद करके किसमें कामन चेंबर में उसी को हम क्या कहते हैं क्लोएका कहते हैं क्लोएका ओपन आउटसाइड देखिए क्लोएका इज ओपनिंग आउटसाइड बाय मींस ऑफ क्लोएकल अपर्चर डी स्टूडेंट्स राइट राइट सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीआर पॉइंट है याद करके चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स देखिए न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे अभी हमने देखा था नर्वस सिस्टम फिशेस में नर्वस सिस्टम फिशेस में कैसा था फिशेस में में नर्वस सिस्टम क्या देखे थे हमने एक ही लेयर राइट ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता था स्टूडेंट्स प्रिमिटिवा यहां पर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ऑफ एम्फीबियंस इज जनरली प्रोटेक्टेड बाय टू लेयर्स राइट सो इसलिए मैंने मेंशन किया है टू मेनिजेस होते कितने टू मेनिंजेस होते आउटर ड्यूरा मैटर इनर पाया मैटर होता है याद रखे स्टूडेंट्स राइट राइट सो डायरेक्ट दो इंसानों में तीन होते हैं मामिल्स में तीन होते हैं आउटर ड्यूरा मैटर मिडिल पाया आरकनाइड मैटर और इनर मोस्ट पाया मैटर होते स्टूडेंट्स याद रखिए यहां पर क्या होते है? दो ही होते याद रखिए टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व स्टूडेंट्स कितने टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियव फिशेस में और एम्फीबियंस में टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्वस होते याद रखिए रेप्टाइल्स में भी अगर लिजार्ड्स को छोड़ के बाकी रेप्टाइल्स में टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्वस होंगे स्टूडेंट्स याद रखिए बर्ड्स में ट्वेल्व होते हैं और मामेल्स में भी ट्वेल्व पेयर्स होते हैं याद रखिए बेटा चलो और देखिए आईलिड्स हैव स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इमेज में बताया आपको आप देख सकते हो स्टूडेंट्स देखिए ये आई लीड है, dear students. ये आई है ना आई के ऊपर आपको एक कवरिंग दिखेगा उसको हम क्या कहेंगे आई लीड कहेंगे स्टूडेंट्स याद रखिए तो अभी एम्फीबियंस में आई लीड्स होते हैं क्या यस आंसर यस ये नीट का पॉइंट है छोटा है लेकिन बहुत बड़ा धमाका करेगा स्टूडेंट्स याद रखिए एम्फीबियंस में आई लीड्स होते हैं फिशस में आई लिट्स होते हैं क्या Ficious में eyelids नहीं होते हैं याद रखिए वहां पर रहता right, right, पर याद रखिए और तो और और देखिए एक मैं टिमप्यानम क्या है टिमप्यानम ईयर ड्रम डियर स्टूडेंट्स टिमप्यानम इज प्रेजेंट बिहाइंड आई बॉल आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर यह है टिमप्यानम क्या है टिमप्यानम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स आप इसको क्या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हो ईयर ड्रम क्या बोलेंगे इसको हम ईयर ड्रम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स देखिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम इज प्रेजेंट यहाँ पर दोनों भी मैंने यहां पर लेबलिंग करके बताया स्टूडेंट्स याद रखिए सो आईलिट्स आर प्रेजेंट आईस आर हैविंग वॉट आईलिट्स दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आई बॉल्स और यहाँ पर टिमपेनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर में क्या रहेगा पिन्ना विन्ना कुछ नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट्स टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम रहेगा तो बताइए इनर ड्र, इ, ड्रम या टिम्पानम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमने फिशेस में देखा था क्या नहीं लेकिन एम्फीबियंस में हमको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स यही है नीट का पॉइंट यहां पर ये यह क्वेश्चन बनेगा जरूर बनेगा याद रखिए ये दो भी नीट के ही पॉइंट से याद रखिए स्टूडेंट्स राइट राइट हर एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपको मात्र एम्फीबिया से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पूरे ओवरऑल चैप्टर के ऊपर से क्वेश्चन मिक्सअप करके पूछा जाएगा याद रखिए स्टूडेंट्स तब ये बहुत डेंजर होगा याद रखिए चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स आप देखिए लास्ट में रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स राइट राइट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्फीबिया में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है देखेंगे स्टूडेंट्स राइट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नो डाउट अबाउट इट और दूसरी बात सेक्सेस सेपरेट होते हैं डियर स्टूडेंट्स मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम से एकदम जुदा जुदा है याद रखिए फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है राइट right, बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म में इंटरनल होता है वो जरूरत नहीं है मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है याद रखिए बेटा राइट right, राइट right. और दे आर ओ वी प्यारा से बहुत से ऑर्गेनिजम्स तो ओ वी प्यारा से सम एक्सेप्शन है वो वी वी प्यारा से रहते so, सो मोस्टली ओ वी प्यारा से याद रखिए डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स याद रखिए बेटा डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट तो ये चार जो पॉइंट मैंने मैंशन किया ना एन सी आर टी पॉइंट है याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब बताइए एम्फीबियंस ओ वी प्यारा से वी वी प्यारा से एम्फीबियंस वो भी प्यारा से एम्फीबियंस में फर्टिलाइजन एक्सटर्नल है इंटरनली मोस्टली एक्सटर्नली याद रखिए एक्सटर्नली याद रखिए बेटा दैट्स इट एम्फीबियंस में डिवेलपमेंट कैसा है इंडायरेक्ट है मतलब लारवल स्टेज है उनके लाइफ साइकिल में चलो स्टूडेंट्स और देख सकते हो यहाँ पर मैंने जस्ट लाइफ साइकिल बताने की कोशिश की आपको आप देख सकते हो स्टूडेंट्स देखिए अडल्ट फ्रॉग है राइट right, बेटा राइट right. एक से आपको दिख रहे हैं बेटा येस yes, येस yes, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक वहाँ पर रिलीज किए गए हैं राइट देखिए आप देख सकते हो देखिए फिर बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ राइट स्टूडेंट्स वेरी सिंपल वेरी वेरी सिंपल आप याद रखिए सो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा सो मेल फ्रॉग रिलीजियस वाट मिल्ट डियर स्टूडेंट्स इन मिल्ट वॉट विल बी देयर कम ऑन लॉट ऑफ स्पर्म्स विल बी देयर डियर स्टूडेंट्स और फीमेल फ्रॉग रिलीजियस वाट ओवा राइट स्टूडेंट्स राइट सो Uh, sperms fertilize egg. right? So, as a result zygote is formed zygote transforms into embryo. So, that is what I have mentioned. So, embryo later transforms into what tadpole and see in, in the beginning tadpoles are attached to what some aquatic weeds dear students and later you know they f swim freely in the water are you able to see yes see and gradually they metamorphose or transform into what adult frog dear students. So, transformation of larval stage into adult frog is called metamorphosis. सो so जनरली क्या होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो बताने के लिए मैंने यहाँ पर उनका लाइफ साइकिल ब्रीफ में समझाया स्टूडेंट्स चलो स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं ब्यूटीफुल चीज़ कुछ क्लास एम्फीबिया राइट ये स्लाइड्स तो आप पहले से देखते आ रहे हो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स ब्यूफो एक है ब्यूफो कामन टोड बोला जाता है इसको याद रखिए रियाना टाइग्रीना इंडियन बुल फ्रॉग हैड ये स्टूडेंट्स याद रखिए और एक है हाइला हाइला राइट ट्री फ्रॉक है स्टूडेंट्स ये नीट के क्वेश्चन से पूरे के पूरे नीट के क्वेश्चन से याद रखिए बेटा अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल्स है सालामांडरा राइट सालामांडर बोला जाता है इनको याद रखिए दूसरा है स्टूडेंट्स लिमलेस एम्फी बी ए ने याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर किया स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं हम बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं याद रखिए राइट राइट चलो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली मैंशन किया है क्लासिफिकेशन क्लास एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ में थोड़ा सा एडवांस में जा रहे स्टूडेंट्स याद रखिए लास्ट है है थोड़ा सा एडवांस राइट right? अभी यहां पर देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स क्लास क्या है एम्फीबिया है याद रखिए ये आपको आना पड़ेगा ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एम्फीबिया राइट राइट एडवांस के लिए अब एडवांस कुछ बच्चे बहुत एडवांस होते हैं उनके लिए उनको भी हमको देखना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स राइट सो उनके लिए है सब बच्चे एडवांस है सब आप पढ़ो आगे बढ़ो

रहते हो उसमें याद रखिए बेटा ये जो ग्रुप है ना ये है क्या है बेटा है याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं शेयर करूं आपके साथ याद रखिए ये क्या है है स्टूडेंट्स राइट राइट आप देख सकते हो और एक मैं बताऊंगा आपको दूसरा देखिए स्टूडेंट्स लिपो स्पॉन्डाइली है क्या है <coughs> लिपो स्पॉन्डाइली है लिपो स्पॉन्डाइली दूसरा ग्रुप का नाम क्या है बेटा लिपो स्पॉन्डाइली है राइट याद रखिए ये ये भी एक्सटिंक्ट ग्रुप है क्या है एक्सटिंक्ट ग्रुप है याद रखिए एडवांस क्लासिफिकेशन दे रहा हूं मैं आपको राइट दिया स्टूडेंट्स जे झड़ यंग का क्लासिफिकेशन है याद रखिए और तीसरा जो है ना स्टूडेंट्स सब क्लास वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिस बिया स्टूडेंट क्या है लिस बिया स्पेलिंग देखिए प्रैक्टिस कीजिए आगे बढ़िए लिस बिया ये क्या है स्टूडेंट्स ये एक्सटेंट है मतलब ये लिविंग है अभी देखिए इनको ये इनको डिवाइड किया गया है तीन Orders में राइट राइट सो इसको देखिए है है ना कहते हैं इसको divide किया गया है. याद रखिए तीन orders में डियर so, स्टूडेंट्स करना चाहूंगा is divided into three orders. Right, right. वो कौन से ऑर्डर से आप यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट्स नंबर वन अपोडा क्या है बेटा अपोडा है याद रखिए अपोडा का और एक नाम है याद रखिए जिम्नोफियोना क्या है बेटा जिम्नोफियोना राइट right? एपोडा कहिए जिम्नोफियोना कहिए याद रखिए इनको दे आर पॉपुलरली नोन एज वॉट सिसिलियंस क्या बोलते हैं इनको सिसिलियंस बोला जाता है याद रखिए स्टूडेंट्स ये कैसे होते हैं ये लिम्बलेस होते हैं याद रखिए ये थोड़ा सा एडवांस जा रहे हम लिम्बलेस होते इसके लिए एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ इक्तियोफिस क्या है बेटा इक्तियो

बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेल्ड एम्फीबियंस इसके लिए एग्जाम्पल आप बहुत सारे एग्जाम्पल अवेलेबल है तो यहाँ पर एक सालामांड्रा सामांडर साला यहां पर रखा गया है स्टूडेंट सालामांड्रा तो यहां पर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपके साथ देखिए साला मांड्रा राइट साला मांांड्रा साइंटिफिक नेम है और एक है प्रोटीएस क्या स्टूडेंट प्रोटीएस है राइट साइरन है राइट स्टूडेंट्स बहुत सारे लिख सकता मैं बहुत सारे बता सकता और एम्बली स्टोमा है एम्बी स्टोमा स्टूडेंट्स अब लास्ट में देखिए थर्ड ऑर्डर जो है ना बेटा थर्ड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है एन्यूरा क्या है एन्यूरा एन्यूरा का और एक नाम है बैट्रैक किया क्या स्टूडेंट्स बैट्रैक है याद रखिए बैट्रै इसको और एक भी नाम है सैलियंसिया क्या है स्टूडेंट्स एडवांस पढ़ने वाले बच्चों को है इसमें क्या है फ्रॉक्स और टोट्स मेंशन किए गए स्टूडेंट्स क्या है बेटा फ्रॉक्स एंड ये याद रखना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए फ्रॉक्स एंड टोट्स बिलोंग टू एन्यूरा राइट देखिए सालमांडर बिलोंग टू वाट यूरोडिला अब देखिए लिमलेस एम्फीबियंस जो है ना स्टूडेंट्स ये एपोडा या जिम्नोफियना को बिलोंग करते हैं इसके साथ एडवांस में क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स राइट सेशन यहां पर ही एंड होता है स्टूडेंट्स इसके साथ हमने क्लास एम्फीबिया कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स राइट राइट कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आए थे आप देख सकते हो लैटरल लाइन सिस्टम में होता है स्टूडेंट्स याद रखिए बेटा राइट right, राइट right. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स राइट टेललेस एम्फीबियन पर देखिए ये तो एन्यूरा में क्या होगा टेल्ड एम्फीबियंस हो गए क्या देखिए स्टूडेंट्स राइट देखिए सो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है याद रखिए इसको छोड़ दीजिए देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज करेक्टली मैच यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट्स आप देख सकते हो आमनीोटा फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स राइट right? ये गलत है एनऑमनीोटा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स राइट right? ये गलत है इक्ति ये फिशेस और एम्फीबियंस वहां पर रखे गए हैं इक्ति में एक क्वेश्चन प्रीवियस आया था देखिए प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैड फ्रॉग इंडिकेट्स राइट फिशस फिश वर एम्फीबियन इन द पास्ट गलत है वो फिश एवाल फ्रॉम वाट फ्रॉग लाइक एंसेस्टर्स गलत है फ्रॉक्स विल वो भी गलत है स्टूडेंट्स फ्रॉक्स एवाल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर्स ये सही है याद रखिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन थे इसके साथ हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लिए चलो स्टूडेंट्स ये सेशन यहीं पर एंड होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग यप मास्टर कीप वॉचिंग यप मास्टर थैंक यू